आजादी का अमृत महोत्सव लोन मेला के दूसरे दिन भी चिरकुंडा के टाउन हॉल में लोन लेने वालों की काफी भीड़ देखी गई। लोन मेले में दर्जनों लाभुकों को लाखों रुपए का लोन मुहैया कराया गया है। दूसरे दिन लोन मेले के मुख्य अतिथि निरसा विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता पहुंची, जहां चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में धनबाद भोले के नृत्य करो एक से बढ़कर एक नृत्य नाटक प्रस्तुत किए, जिसमें उपस्थित दर्शकों मंत्रमुग्ध हो गए। मंच संबोधन करते हुए विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र के सभी बैंक अधिकारियों को कहना चाहूंगी कि जो भी लोग बैंकों में लोन लेने जाते हैं, उन्हें सरल और सहज रूप से लोन देने का कार्य करें। अक्सर यह शिकायत लगातार मिलते रहती है कि बैंकों द्वारा सही समय पर लोन मुहैया नहीं कराई जाती है। बैंक अधिकारियों से आग्रह करूंगी कि जो भी लाभुक बैंक पहुंचे तो उनके दस्तावेज के आधार पर शीघ्र लोन मुहैया कराई जाए। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा कि चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार मुहैया हो एवं लोग आत्मनिर्भर हो, जिसे लेकर यह लोन मेले का आयोजन किया गया है। क्षेत्र में लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले, अपनी नजदीकी बैंकों में जाकर आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। चिरकुंडा कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कर्मकार ने कहा कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। लोग आत्मनिर्भर हो, जिसके लिए सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, जिसका सीधे जनता को लाभ मिल रहे। सभी व्यक्तियों के जरूरत के हिसाब से लोन मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें चिरकुंडा एवं कुमार डूबी क्षेत्र के कुल 11 बैंकों का स्टॉल लगा हुआ है और बैंक कर्मी हर किसी को जानकारी दे रहे हैं, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज इससे लोन मिला, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और आप लोग जो सबसे पहले हम बैंक के जो पदाधिकारी हैं, हम उन लोग को कहेंगे कि जो हमारे बैंक में आपके जो ग्रामीण या फिर जो लोन लेने जा रहे हैं या कोई भी काम से जा रहे हैं, बैंक के कोई भी काम से जा रहे हैं, तो उन्हें जो प्रोसेस है, जो नियम है, नियम के तहत, प्रोसेस के तहत आप उनका काम तुरंत कर दीजिए। कारण पूरा निरसा विधानसभा का, जनता का एक कंप्लेंट मेरे पास आता है कि बैंक में हम लोग जाते हैं और बैंक हम लोग को बहुत सारा प्रोसेस नियम बता के हम लोग को मतलब लेट कर देता है, काम नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले बैंक के पदाधिकारी को हम कहेंगे कि आप उन्हें जल्द से जल्द जो उनका काम है वो कर दीजिए, लोन दे दीजिए। और जो ऋण लोन जो आप ले रहे हैं, लाभुक जो है जो ले रहे हैं, उनको हम यही बोलेंगे कि अगर आप छोटा सा ही शुरू किए तो बैंक का प्रोसेस जो है उस प्रोसेस में आप रहें, जो और उसके बाद आपको अगर छोटा लोन ले रहे हैं तो आप भविष्य में बड़ा ले सकते हैं और फिर आप बड़ा काम कर सकते हैं। इसी तरह से बैंक का लेन देन को, आपका जो प्रोसेस है उसको आपको बना के रखना है।